सो फाइनली दोस्तों सनी देओल कल जी सिने अवार्ड 2024 में पहुंचे। सनी देओल क्या यार, पूरा एंटायर बॉलीवुड पहुंचा, एसआरके किंग खान पहुंचे, लेकिन भैया कल जो जी सिने अवार्ड था ना भाई, बहुत भारी बेइज्जती हुई सनी देओल की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल गदर 2 को अवार्ड क्यों नहीं मिला, सनी देओल को अवार्ड क्यों नहीं मिला। कल दोस्तों जी सिने अवार्ड नहीं था, कल दोस्तों जवान के लिए पूरा प्रोग्राम रखा गया, जवान के लिए पूरा सेटअप बनाया गया। और कल का जो दिन था दोस्तों, आपको बता दूं कि जवान के एक्टरों के लिए, जवान के डायरेक्टरों के लिए, जवान की कास्ट के लिए ही अवार्ड रखा गया था। मतलब कुल मिला के इस मंच की शोभा बने शाहरुख खान जी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कल देखो यार, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऑफकोर्स यार नर्वस भी हूँ, गुस्से में भी हूँ, क्योंकि यार देखो यार ठीक है, जवान को अवार्ड मिला विच इज़ फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल गदर 2 को अवार्ड क्यों नहीं मिला, मुझे इस बात से थोड़ी चिंता है दोस्तों। ऑफकोर्स मुझे शाहरुख खान जी से प्रॉब्लम नहीं है। देखो कल यार मैं देख रहा हूँ पूरा बॉलीवुड पहुँचा, कल मैंने देखा, कल था लगभग दोस्तों 10 मार्च का दिन, और 10 मार्च को ऑफकोर्स पूरा जी सिन अवार्ड ने एक पूरा महफिल सजा रखा था, और उस महफिल के अंदर ऐसा कोई भी शख्स नहीं था बॉलीवुड का जो ना पहुंचा हो। मतलब आमिर खान से लेकर तमाम बड़े बड़े एक्टर तक सारे लोग पहुंचे भाई, पूरा बॉलीवुड पहुंचा। जब किंग खान पहुंचे तो भैया पूरा बॉलीवुड पहुंचेगा ना। सनी देओल अपने बेटे के साथ, करण देओल एंड राजवीर देओल के साथ पहुंचे, बॉबी देओल पहुंचे, कृति सैनन लुकिंग हॉट, मतलब दोस्तों तमाम सारे एक्टर पहुंचे वहां पर, सब सारे एक्टर। और आपको बता दूं कि वहां पर जवान के लिए 2023 में बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया शाहरुख खान जी को, बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर जवान दोस्तों। एंड आपको बता दूं कि कल शाहरुख खान ने अपनी स्पीच में ना एक ऐसी बात बोल दी भाई, जो ये बात तो उन्होंने इनडायरेक्टली वे में बोली है। आपको याद होगा उससे पहले जब जब वो अपने शो में जाते हैं, कोविड के टाइम पे भी जब पठान रिलीज हो रही थी, तो उन्होंने जब ममता बनर्जी ने शो वगैरह कर रखा था, शायद मुझे याद है नेशनल फिल्म फेस्टिवल का कुछ अवार्ड था, तो वहाँ पे भी वो गए थे, तो उस अवार्ड शो में भी यही कहा था कि पॉजिटिविटी जिंदा है, मतलब एक मैसेज दिया था दोस्तों अपने फैंस के लिए। यहाँ भी उन्होंने बहुत सारी बातें रिवील की है। पहली बात तो 2025 में कोई बड़ी फिल्म आने वाली है, चाहे वो द किंग हो या पठान 2 हो दोस्तों, एंड 90% पठान 2 की अनाउंसमेंट ही वो इनडायरेक्टली तरीके से बोला है। साथ ही साथ शाहरुख खान ने बहुत परफॉर्मेंस दी, चाहे अपने 90s के सॉन्ग हो, छैया छैया हो, उसके बाद पठान, झूमे जो पठान, जवान, एंड क्या मास एंट्री थी, वो एंट्री भी लाजवाब थी। शाहरुख खान का ड्रेसिंग सेंस कमाल का था दोस्तों। कुल मिला के शाहरुख खान का ही वो शो रखा गया था, स्पेशली शाहरुख खान के लिए पूरा मंच तैयार किया गया था और लोगों को इनवाइट किया गया था जस्ट फॉर शाहरुख खान। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल के शो में मुझे सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान ने जो स्पीच दिया, जो डांस किया, सब उसके ही क्लिप दिखाए जा रहे हैं। कल की पूरी शोभा शाहरुख खान के नाम पर ली गई भाई, सारा क्रेडिट शाहरुख खान को गया। इनफैक्ट एक स्पीच में शाहरुख खान ने जी सिने अवार्ड के मालिक जो है उनको भी बधाई देते हुए कहा, और ये भी कहा कि ये मेरे मित्र हैं और मैं इनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, 1998 में उनको अवार्ड मिला था, ना उनको इतने सालों बाद अवार्ड मिल रहा है बेस्ट एक्टर के लिए, जो जी सिने अवार्ड 2024 के मंच से प्राप्त हुआ शाहरुख खान जी को। एंड यार शाहरुख खान ऑफकोर्स यार एक बात जो बोली उन्होंने कि अपने कहा कि यार मैं अपने बच्चों के लिए बाप हूँ, और शायद मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं हमेशा उनको एंटरटेनमेंट देता रहूँ, लेकिन उनके बोलने का तरीका कुछ अलग ही था दोस्तों। ठीक है, आपने जवान फिल्म के अंदर उनका डायलॉग सुना होगा कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, ये डायलॉग नहीं था, ये डायलॉग एक आक्रोश था, और ये मुद्दा, ये जो डायलॉग जिसके ऊपर बना था, आप समझ गए होंगे किस बंदे के ऊपर बना था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोविड के टाइम पे जो आर्यन खान का मैटर था। इसके बाद दोस्तों उन्होंने उस मंच से एक और बात बोल दी कि जब तक तुम्हारा बाप है एंटरटेनमेंट मिलती रहेगी, बाप एंटरटेनमेंट देता रहेगा। ये जो बाप वर्ड पे बोला है ना भाई, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाप अभी जिंदा है और बॉलीवुड का बाप एक ही है, SRK। जिस हिसाब से उन्होंने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तमाम शाहरुख खान फैंस कॉमेंट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों सनी देओल भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि सनी देओल को वहाँ पर अवार्ड क्यों नहीं दिया गया। हालांकि एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जब बॉबी देओल को वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया गया, बॉबी देओल की एक परफॉर्मेंस थी
एनिमल के अंदर जो उनका टाइटल सॉन्ग था वो ग्लास वाला, जो कि बॉबी देओल एंड सनी देओल ने उसको परफॉर्मेंस दी, वहाँ पे परफॉर्म किया, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों, काफ़ी महफिल लुटी वहाँ पर। सनी देओल की परफॉर्मेंस भी हुई, बॉबी देओल की भी हुई, ऑफकोर्स अपने टू के लिए भी वो प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि राजवीर देओल करण देओल जब भी साथ मिलते हैं बॉबी देओल, तो दोस्तों अपने टू का वेट हम सबको है एंड जनता अपने टू की डिमांड कर रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ बता दूँ कि भैया बेस्ट एक्टर अवार्ड तो ले ही लिया शाहरुख खान ने, एंड बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक जवान के लिए रविचंद्रन अनिरुद्ध जो है उनको अवार्ड मिला गया, अनिरुद्ध रविचंद्रन को, और उन्होंने थैंक यू बोला शाहरुख खान जी को, एटली को। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी एटली को मिला। मैंने क्या बताया भाई कि ये पूरा महफिल ही जवान के लिए बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों साथ ही साथ डिम्पल कपाड़िया को पठान के लिए सपोर्टिंग कैरेक्टर का अवार्ड भी मिला गया। इसके अलावा दोस्तों कीर्ति सरन को तमाम अवार्ड भी दिए गए। साथ ही साथ दोस्तों 2023 का ये अवार्ड जी सिने का अवार्ड जो था, इसमें बहुत सारे एक्टर लोग आए, सबकी परफॉर्मेंस हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत मायूस हूँ कि यहाँ सनी देओल को भी यार यहाँ पे कुछ ना कुछ अवार्ड मिलना चाहिए था। लगता है लोग गदर 2 को भूल गए, लगता है लोग ये भूल गए कि गदर 2 जब जी ने अवार्ड रखा था उस टाइम पे भी एक इवेंट फंक्शन रखा था जिसमें शाहरुख खान आए थे एंड हिंदुस्तान का असली ब्लॉकबस्टर पिक्चर सबको याद होगा। आपको बता दूं कि यार ठीक है मुझे पता है चलो उस टाइम पे गदर 2 सक्सेसफुल हुई थी तो जी ने भी अवार्ड रखा था, बट यार एक अवार्ड तो एटलीस्ट देना चाहिए था यहाँ पर सनी देओल को कम से कम। लेकिन यार 2023 के लिए बेस्ट एक्टर, इनफैक्ट 2024 के लिए मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं, बट 2023 में जब दो बड़े बॉलीवुड के स्टार एक तरफ सनी देओल एक तरफ शाहरुख खान, तो मेरे ख्याल से यार सनी देओल को वहां कुछ मिलना चाहिए था, जो कि मैं थोड़ा मायूस हूं इस बात को लेकर दोस्तों। और साथ ही साथ हम सबको याद है कि गदर 2 ने पठान के रिकॉर्ड तोड़े थे ऑफकोर्स, और पठान 2 आ रही है। उसके बाद दोस्तों जवान ऑफकोर्स लोग तो यही कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट बुकिंग है रियल कलेक्शन नहीं है, बट दोस्तों पता नहीं क्यों यार इसलिए कई लोग कहते हैं, बॉलीवुड के अंदर आमिर खान का भी कहना है, अक्षय कुमार जी भी कहते हैं कि यार ये अवार्ड शोज वगैरह ना क्या माने इस बात को, क्या अवार्ड शोज वाकई में दोस्तों खरीदे हुए होते हैं, क्या अवार्ड शो की भूमिका सिर्फ मात्र ब्रांड नेम पे रह गई है, खरीदे हुए रह गई है, क्या रियलिटी में जो लोग मेहनत करते हैं उनको अवार्ड मिलता है, या अवार्ड शो बिके हुए होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर अवार्ड शो दिए जाते हैं जस्ट फॉर द दोस्तों ये नाम के अवार्ड शो होते हैं, ठीक है, बिके हुए अवार्ड शो होते हैं, इसलिए कभी भी देओल फैमिली जो है पार्टी वार्टी अटेंड नहीं करती है। एंड धर्मेंद्र का भी कहना था कि वो जब भी कभी अवार्ड शो में जाते हैं तो उनको भी जब लाइफ टाइम का अवार्ड मिला था तो भी उस बात को उन्होंने जिक्र किया था। तो दोस्तों अवार्ड शो क्या वाकई में खरीदे जाते हैं? और यहाँ पर जो जवान का जी सिने अवार्ड नहीं कहूँगा मैं, इसको मैं जवान फिल्म का अवार्ड कहूँगा, जवान फिल्म अवार्ड 2024 कहूँगा मैं, क्योंकि जी सिने अवार्ड के अंदर ऑफकोर्स यार मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा मायूस भी हो रहा हूँ कि यार सनी देओल को अवार्ड मिलना चाहिए था। बाकी दोस्तों नो वरीज, इनफैक्ट दोस्तों सनी देओल की और फिल्म आ रही है लाहौर 1947, रामायण बाप है, एंड अब उसके बारे में जैसे कोई अपडेट आएगा तो मैं बताऊँगा। बट बता दूँ कि SRK ऑफकोर्स यार कहा जाता है कि भाई लोग कह रहे हैं कि किंग खान है, बाप है, और शाहरुख खान ने जब अवार्ड शो लिया तो डेफिनेटली उनके लॉन्ग लॉन्ग हेयर थे, एंड उन्होंने साफ से बोल दिया कि भाई मैं बाप हूं और रहूंगा, एंटरटेनमेंट जब तक दूंगा, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों क्या आपको लगता है, क्या गदर 2 के लिए 2023 के लिए सनी देओल को अवार्ड मिलना चाहिए था? अवार्ड नहीं मिलने की वजह से कितना ज़्यादा निराश हुआ वो भी कमेंट करके बताओ। एंड दोस्तों जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान को अवार्ड मिला है, क्या वाकई में वो डिजर्व करते हैं? कमेंट करके बताओ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।